कर दोस्तों, मीत सीरियल का आने वाला एपिसोड में आप लोग देख पाएंगे कि किस तरीका से मीत हुड्डा जितने भी बच्चे और आदमी जेंट्स लेडीज फंसी हुई हैं सभी को निकालती हुई नजर आने वाली हैं, क्योंकि मीत हुड्डा ने अपनी काबिलियत के बस पर एक बच्चे को भी जन्म दिवा दिया था। लेकिन दोस्तों, जो आतंकवादी हैं उनको अभी चारों तरफ से पुलिस ने घेर लिया है। हालांकि आतंकवादी ने यह भी बोला है कि अगर पुलिस ने हमें शूट करने की कोशिश की तो हम सबे मार देंगे, जिसके बाद में मीत हुड्डा ने बोल दिया है कि ये चीज़ तुम भी जानते हो कि अगर तुमने हम लोगों पर गोली चलाई तो तुम यहाँ से निकल नहीं सकते, क्योंकि अगर हम जिंदा हैं तभी तक ही तुम जिंदा हो, अगर हमारे में से किसी को गोली लगी तो तुम सबके सब मारे जाओगे। इसलिए आतंकवादी इनको भी समझाती हुई नजर आएंगी मीत हुड्डा और बोलती हुई नजर आएंगी कि भलाई इसी में है कि अपने हथियार डाल दो और फायदा उसमें है कि तुम जल्द से जल्द पुलिस के सामने अपने आप को सरेंडर कर दो, उसमें तुम्हारी जान बच जाएगी। और वाकई में दोस्तों, मीत हुड्डा इस समय बहुत ज़्यादा दिमाग से काम ले रही हैं, क्योंकि मीत हुड्डा भली भांति जानती हैं कि ये जो क्रिमिनल माइंड चला रहे हैं ये आतंकवादी, इनका खात्मा होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। हालांकि दोस्तों, इस समय जितने भी गैंगस्टर हैं उन्होंने मीत हुड्डा से बोल दिया है कि तुम ये मत सोचना कि तुम बच जाओगे हमें पुलिस के हवाले करके, क्योंकि अगर हम फंस रहे हैं तो तुम्हें हम बाद में ऐसा तड़पाएंगे कि तुम याद रखोगे। लेकिन दोस्तों, मीत हुड्डा की अगर बात की जाए तो मीत हुड्डा तो खुद पुलिस वाली है और वो मौत से डरती नहीं है, क्योंकि वो हमेशा से ही खतरों से खेलती हुई नजर आई है। और मीत हुड्डा का मानना भी ये है कि जो खतरे हम ले सकते हैं वो हम लेके दिखाएंगे और किसी को हम किसी भी तरह की चोट नहीं पहुंचाएंगे। जी हाँ दोस्तों, इसका मतलब यह है कि मीत हुड्डा किसी भी इंसान को जो मासूम है उसको चोट नहीं पहुंचा सकती, क्योंकि मीत हुड्डा का खुद का भी यही सोचना है कि जो मासूम है उनको क्यों चोट पहुंचाई जाए, और ये गैंगस्टर आतंकवादी इसी काम को करते हैं। साथ ही दोस्तों, मेरा नाम है रोहित नागर, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में आप लोग मेरी वीडियो को लाइक करें एंड कॉमेंट करके आप लोग मेरे को जरूर बताएगा। थैंक यू सो मच।